इसे मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पर कोई खजाना ही ढूंढ ले। तो सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, और मुझे पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है। रात को हमारा मिनी जू बिल्कुल सुनसान हो जाता है, और भाई मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कोई सर्बियन डांसिंग लेडी आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। ये सारे जानवर देख लें, आज इन सारों के साथ एक और जानवर भी आने वाला, और वो जानवर हूँ मैं। तो यार आज हम बहुत ही बड़ा चैलेंज करने वाले हैं भाई साहब, और वो चैलेंज क्या होने वाला है, वो चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि मैंने अपने इन सब पेट्स के साथ, मुर्गियों वगैरह के साथ, कबूतरों वगैरह के साथ, अपने और क्या रह गए भाई, डक्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करना है बहुत ही ज़्यादा वाला, जो कि होने वाला 24 आवर्स। और हमारे 24 आवर्स स्टार्ट होते हैं इस आलीशान सुबह से, और जो ये हमारी आलीशान सुबह है ना, ये स्टार्ट होती है आलीशान शाम से भाई साहब। इस शाम से लेकर रात तक हम, मैं इस मिनी जू में रहने वाला हूँ, और जो कि बहुत ही बड़ा और अच्छा चैलेंज है। तो जल्दी जल्दी इस चैलेंज को भी हम कंप्लीट करते हैं भाई साहब। और यार बबलू की तबीयत ज़रा ख़राब है, इस दौरानिया में हम इन सबको डाइट भी डालने वाले हैं, और इनके साथ हाल वाल भी करने वाले हैं। तो बाकी करेंगे आप इनके साथ ये सारा कुछ। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ अभी यहाँ पर, मेरे साथ तो पेट्स वगैरह बात ही नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं मुझे, और इनके आप हाल वगैरह चेक करें, मुझे मुझे मुँह ही नहीं लगा रहे भाई, ऐसे ऐसे बिहेव करें मैं यहाँ हूँ ही नहीं, भाई मेरे से भी हाल वाल कर लो। तो सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, और मुझे पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यार मैं यहाँ खड़े खड़े काफ़ी बोर हो रहा हूँ, और मुझे ये दिख गया है, इसे मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पर कोई ख़जाना ही ढूंढ ले। मैं सोचा खाम खाम मैं भी बोर हो रहा हूँ, मेरे पेट्स भी बोर हो रहे थे, क्यों ना ख़जाना ही कोई ढूंढ लेते हैं, हो सकता है यहाँ नीचे कोई मतलब सोने की माइन वगैरह हो, तो कोई पता तो नहीं चलता ना। तो देखते हैं पहले तुक्के, अकड़ बकड़ अकड़ बकड़ पहले अकड़ बकड़ करते हैं हम यहाँ पे, अकड़ बकड़ स्टार्ट कहाँ से होता है मुझे भूल गया भाई। तो सर मैं खोद रहा हूँ अभी, बहुत ज़्यादा खोद रहा हूँ, और मैं थक चुका हूँ खोद खोद के। तो यार मुर्गियाँ भी मेरे इस काम में बहुत ज़्यादा मदद करा रही हैं, इन्होंने भी यहाँ जगह खोदी हुई थी पहले से ही, तो फिर मैंने भी वहीं पर खोदना स्टार्ट किया, और मुझे अभी तक तो कुछ नहीं मिला सिवाय सूखे पत्ते के। ये देखें ये सूखा पत्ता निकला है अंदर से, हो सकता है इसी के ऊपर कोई नक्शा वगैरह ड्रा हुआ हुआ हो, कहीं पर कोई ख़जाना वगैरह, तो ये मुझे लग रहा है ये कोई एड्रेस लिखा हुआ है भाई साहब। तो यार जो इस पत्ते पर एड्रेस दिया गया ना, वो इस जगह का एड्रेस है, तो अभी मैं यहाँ की छांटी स्टार्ट करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ भाई। कुछ निकल भी आएगा देखना, एक दिन तो निकलेगा भाई। तो यार हमें हमारी स्टोरी का जो ख़जाना था वो मिल चुका है, और वो ख़जाना ये है भाई साहब, ख़जाने की लुकिंग तो चेक करो। और मैं अभी बहुत ज़्यादा बोर भी हो रहा हूँ, और मैं अब बहुत ज़्यादा पार्ट कट वगैरह करूँगा, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा मतलब थक चुका हूँ, मैं भी कहीं छाँव पर बैठना चाहिए हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी अब यहाँ धूप पर ही सड़ता रहूँगा भाई, 24 घंटों का ये हमारा सफ़र स्टार्ट किया हुआ है, तो बस सिर्फ 24 घंटे तक ही, 24 घंटे का मतलब 24 घंटे में से अभी 12 घंटे तो हमारे गुजर चुके हैं, और 12 घंटे में से और 6 घंटे गुजर चुके हैं, तो 6 घंटे में से 3 घंटे मजीद गुजर चुके हैं, जहर सी बात बचे 3 घंटे, अब 3 घंटे में से 2 घंटे अभी गुजर गए तो बचा 1 घंटा, तो अब हमें 1 घंटा मजीद सर्वाइव करना है इस आईलैंड पे। तो मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर अंडे ही ढूंढना मैं स्टार्ट कर दूँ, पर अंडे हमारी मुर्गियों ने आज दिए। बहुत ही ज़्यादा सड़ चुका हूँ धूप में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसा हो चुका हूँ। ये मेरी ब्लैक वाली डक आप देख सकते हैं ये, और बल्कि नहीं ये तो कहीं कहीं से वाइट भी है, मैं पूरा ही काला हो चुका हूँ भाई धूप में सड़ सड़ के भाई साहब। और मैं आपको बताता हूँ मैं कैसा हो चुका हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये बाल दिख रही है आपको, ये बाल की ये ब्लैक वाली जगह, तो मैं बिल्कुल ऐसा हो चुका हूँ धूप में खड़ खड़ के, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यार। जेंट्स की कोई चेकिंग कर लेते हैं, हो सकता है इन्होंने अब तीसरा एग दे, आज मैं पता क्या लग रहा था ये वाली फीमेल भी आज एग दे देगी, पर इसने ऐसा नहीं। यार मैंने इनको डाइट डाल दिया है, मैं बोर हो चुका हूँ पूरा पूरा, तो मैंने अपने साथ बोर करने के लिए अपने एक और पेट को उठा लिया है, ये मेरा फाइटर सील जो है बनेगा, अभी बना तो नहीं है, अभी बहुत टाइम है इसको, तो मैंने सोचा कि ये भी बोर हो रहा है मैं भी बोर हो रहा हूँ, तो फिर मैंने इसको पकड़ लिया, और इसके साथ मैं अपना टाइम पास करने वाला हूँ, और अभी इसका टाइम भी बर्बाद होने वाला है और मेरा टाइम भी बर्बाद होने वाला है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ छोड़ ही देता हूँ भाई, जात आज़ाद है। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फिंचेस और अपने पैरट्स को ही देख लूँ। तो यार ये आपको सामने 3 एग्स नज़र आ रहे हैं अभी तक हमारी इस फीमेल फिंच ने दिए हैं, इसने अभी और एग्स नहीं दिए। यार तुम भी कोई गैरत की गोली खा लो, एग्स दे ही दो अब उनकी तरफ, फिंच से कोई इंस्पायरेशन ले लो, एग्स दे भी दो अब।
तो यार अब शाम हो रही है, कहीं जाके मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था इस लम्हे का, अब कहीं जाके हवाएं चल रही हैं और मुझे अब जाके रात की सांस मिल रही है। सोच रहा हूँ कि मैं अपने पेट्स को डाइट ही डाल देता हूँ। अब रात हो चुकी है, अब देखें, ये देखें जी रात होने वाली है और मैं अभी भी मिनी जू में ही ठहरा हूँ। और यार मेरे सब पेट्स अब खुद ब खुद अपने घर जा चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रात को ये किस तरह होते हैं। तो ये देख लें आप, यहाँ पे मुर्गी तो अक्सर इन्हीं के साथ रहती है, पर अब मुर्गी ने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब मुर्गी दूसरी बड़ी मुर्गियों के केज में रहती है और बाकी बड़े चूजे यहाँ पर और छोटे चिक्स यहाँ पर। और हमारे पिजन्स रात को यहाँ पर यूँ बैठे होते हैं, यहाँ पे फीमेल पिजन इनक्यूबेट करी अपने एग्स को, ये देखें। तो ये रात को हमारा मिनी जू बिल्कुल सुनसान हो जाता है। और भाई मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कोई सर्बियन डांसिंग लेडी आने वाली है। तो यार बस अब इसी डर के चक्करों में ना अपने आज के ब्लॉग को करते हैं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक क्लास भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ब्लॉग भी कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी यार हमारे सब पेट्स बंद हो चुके हैं।